चीज है कि वो आए और पहुंचे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरे। प्रदेश प्रभारी एडवोकेट ने डाल दी, आज बहादुरगढ़ की पवित्र भूमि पर हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, बहुत ही क्रांतिकारी नेता, यूं कहूं तो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 17.5% वोट जब पड़ी थी उस समय आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रकाश भारती जी और साथ ही बैठे हुए हरियाणा प्रदेश के प्रभारी महोदय बहुत ही संघर्षशील श्री नरेश सारण जी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और विजय संकल्प दिवस के मौके के पर जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है हमारे सूबेदार सरदानंद जी, वेद प्रकाश सैनी जी, जिला के अध्यक्ष रतनावर गौतम जी, करमवीर बदानी जी, जय सिंह राठी जी और राज सिंह खानपुर जी, और इन्हीं के साथ में बैठे 28 साल के नौजवान, 28 साल के नौजवान ब्रह्मदत्त तंवर जी उठे एक बार, 82 साल की उम्र है, काम करने वाले में 28 साल के नौजवान को पीछे छोड़ते हैं। एक और नौजवान हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के अंदर दंड बैठक मारते थे ये हमारे साथ में, दंड बैठक, ये 28 साल के आज भी काम कर रहे हैं। एक और हमारे नौजवान साथी बिल्कुल 28 साल के हैं, वो भी जय नारायण जी, जय नारायण मांडोटी से, जय, ये भी 28 के, मतलब दोनों की 82 साल उम्र है लेकिन काम करने में 28 साल के नौजवान से कम नहीं। इनके साथ में प्रोफेसर एल सुकुमार जी और हमारे नौजवान नेता विक्रम डोमोलिया जी, सुर डॉक्टर सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह जी और एक और नौजवान ओम प्रकाश भौरिया जी, ओम प्रकाश भौरिया जी पकड़ के उठाओ उनको, वेरी गुड वेरी गुड। नौजवान हमारी टीम ने बहुत काम किया है, ये बड़े मेहनती हैं, जिनका नाम ले दिया जिनका नहीं लिया ऐसा नहीं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बुजुर्गों का भी मनोबल बढ़ाते हैं, नौजवानों का भी मनोबल बढ़ाते हैं। और इस प्रोग्राम में पहुंचे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, आप सभी को जय भीम जय भारत। साथियों मैं ज़्यादा समय तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी को दूंगा, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी हैं, जोशीले विचार, पार्टी की कार्यशैली से बहुत अच्छी से तरह से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समय आप लोगों के बीच में जरूर लेना चाहूँगा। साथियों हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, यहाँ हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, हम इस देश में बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, बाबा साहब ने क्या किया इस देश में। एक समय था इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र था भारतवर्ष, हिंदू राष्ट्र, तो गरीबों को जो बैकवर्ड स्टूडेंट कास्ट के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारी माता और बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपको पता है आपके जिले से एक बेटी ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता है, मालूम है सभी को, विश्व सुंदरी का खिताब जीता है, विश्व सुंदरी, वो जिला छज्जर की बेटी जब वो जीती इंग्लैंड विदेश में, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं, उस बेटी ने, जाट समाज की बेटी है, उस बेटी ने क्या कहा कि ये तो माँ बाप का कर्तव्य मेरी मदद करे, लेकिन इसका श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। जैसे ही पता लगा पत्रकारों को कि बाबा साहब की एक भगत, तो इंक्वायरी शुरू हो गई कि जरूर ये स्कूल कांच की लड़की होगी, पता कर लिया और फिर उनके घर के
अंदर फिर पत्रकार पहुंच गए कि बाबा साहब को कर्जदार, बाबा साहब की कर्जदार कैसे हैं। उस बेटी ने कमाल कर दिया, क्या कहा कि मैं जाट समाज की बेटी, जब इस देश के अंदर हिंदू सिस्टम था तो हिंदू सिस्टम के माध्यम से इस देश में नारी को, लड़की को, बेटी को सूत्र गिनाना जाता था। सूत्र ढोल पशु, सूत्र और नारी, ये सब धारण के अधिकारी, मतलब महिला को कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब का कर्ज है, ये मैंने नहीं बोला, उस बेटी ने बोला। आज हम इकट्ठे क्यों हैं? आज भारतीय जनता पार्टी इस सिस्टम को खत्म करने में तुली है कि बाबा साहब के संविधान को खत्म करने में तुले हैं, और गलती से गलती हो गई और भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार बना गई, तो ये माना जो आज बैठे हो ऐसा सौभाग्य कभी भी प्रदान नहीं होगा। इतने गद्दार अब संविधान खत्म करवाना चाहते, कोई नहीं चाहता। मैं आपको बस निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस तो थी हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन, जिन्होंने 67 साल राज करके हमारे हकों के ऊपर अटैक किया, हमारे हिस्से की नौकरी नहीं दी, हमारे हिस्से की फैक्ट्री नहीं दी, हमारे हिस्से की एजुकेशन नहीं दी, हमारे हिस्से के सारा का सारा धन संपत्ति लूट के इकट्ठा कर लिया। किसी ने मीट खाया हो तो खाया, तो मैंने भी है। दो टाइप का होता है, एक झटके का और एक हलाल का। कांग्रेस ने हमें हलाल किया, 67 साल कांग्रेस ने हलाल किया, हमारे हिस्से की नौकरी नहीं दी, हमारे हिस्से की फैक्ट्री नहीं दी, हमारे हिस्से की धन दौलत नहीं दी, हमारे हिस्से की जमीन नहीं दी, इनको 100-100 गज के प्लॉट देने में भी तकलीफ होती है। किसी को मिले 100-100 गज के? इतना झूठ बोल के सत्ता को हत्या लेते हैं। एक एक घर में दो दो तीन तीन बहू, किसी की बेटी हमारे घर में आ रही है, बुजुर्ग उनका पीने बाहर रहने की जगह नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें इस देश में कुछ नहीं चाहिए, अपना आप ही ले लेंगे, अपनी सरकार बनाइए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम आप लोग करोगे तो आपके सारे अधिकार मिल जाएंगे। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक और निवेदन करना चाहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। बाबा साहब अंबेडकर अम्बेडकर हमें एजुकेशन का अधिकार देते हैं, पढ़ाई लिखाई का अधिकार देते हैं। इन कांग्रेस और बीजेपी की षड्यंत्र ने मासूम बच्चों को बोलते एक से नौ तक पढ़ाने की जरूरत नहीं, सबको पास कर दो, और जब दसवीं में जाएगा उसका पूरा परिवार पीछे पड़ जाए तो दसवीं पास नहीं हो सकता। हमारी एजुकेशन खत्म करने का काम किया इन गद्दारों का, इससे काम नहीं चला। इन गद्दारों ने उस मासूम बच्चा, बोलते किसी के घर में बच्चा होता है वो गुनगुनाते हैं, क्या नाम रखवा, तुझे सूरज कहू या चंदा, तुझे दीप कहू या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इस देश के गद्दारों ने उस मासूम बच्चे को भीख की लाइन में खड़ा कर दिया, मिड डे मील के नाम से भीख के लाइन में। आज बच्चा स्कूल में जाता, स्कूल में जा रहा, बोला हाँ मां, कटोरा धर लिया थैले में बेटा। आज की मां बेसहारा लाचार कर दी, किताब कायदा नहीं पूछती है। आज की मां कटोरा, अरे कटोरा, हमने तुम्हें राजा बनाया, तुम हमारे मासूम बच्चों को भीख की लाइन में खड़ा करते हो, किस लिए जिंदे हैं? मेरी निवेदन आप लोगों से, यदि इस देश के अंदर ऐसे आजादी के साथ में काम करते रहोगे आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी निवेदन क्या है, सरकार बनाइए, आने वाले समय में इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको चंडीगढ़ पहुंचने से नहीं रोक सकती, विश्वास करना, क्योंकि सरकार मेरे से नहीं बनी, सरकार सिस्टम से बनी है। आपने एक मिनट, माने प्रधान जी एक मिनट और लेने में कहे तो, सरकार मेरे कहने से नहीं बनती है, सरकार तो बैलेंस ऑफ पावर से बनती है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब मुख्यमंत्री बन सकता है। झारखंड के अंदर मधुकोड़ा आपके सामने देखा था,
सत्यों के साथ में मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाया, मैं भी आपका बच्चा हूं, बेटा हूं, उसके लिए समय जाऊंगा और अपना इन्हीं वक्तव्य को विराम देने के लिए इजाजत चाहूंगा। आप सभी को जय भीम, जय भारत।